लेकिन ओल्ड इज गोल्ड होता है, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, वो पुरानी कहावत है, अब पहले की बात है कि ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा, अब नेट का जमाना है। अब जिसको इंटरनेट चलाने नहीं आएगा उसको क्या पता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि अब नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज़। क्या नाम पड़ेगा? जी अबुल हसन सोनू नाम है मेरा। किस पद के लिए नॉमिनेशन किए हैं? हम मुखिया पद से लड़ रहे हैं, ग्राम पंचायत राजप्रतापपुर से। राजप्रतापपुर से जी। अच्छा, इसके पहली बार चुनाव लड़े हैं? पहले इसके नहीं, फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चुनाव लड़ रहे हैं जी। कितना सैलरी मिलता है महीना मालूम है इसमें मुखिया में? सुने हैं 2500 करीब में मिलता है। 2500 करीब में मिलता जी। है जी। किस मुद्दा के साथ जनता के बीच जा रहे हैं आप? आपको बताएं कि हम जन अधिकार पार्टी जो है उसके पप्पू यादव का, उनके पार्टी के छात्र विंग का हम जिला अध्यक्ष हैं। हम पूर्व 5 साल से छात्र राजनीति किए हुए हैं, मुखिया का चुनाव फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं। हमारे पंचायत में बहुत सा भ्रष्टाचार हुआ है और हम लोग सेवा के नियत से चुनाव में मैदान में आए हैं और सेवा के दम पे ही चुनाव जीतेंगे। आपके पंचायत में क्या कमी है? हमारे पंचायत में कुछ हुआ ही नहीं है तो कमी क्या बताएं। ये पंचायत में देखिए कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। आपके पंचायत में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है? हमने देखा है, एक मिनट, हमने देखा है कि फेसबुक पे आप हमेशा डालते रहते हैं कि हम अगर जीतते हैं तो RTPS काउंटर लगवा देंगे, निवास के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यानी माझा नहीं आना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि देखिए, ये हमारा मैनिफेस्टो जब हम मार्केट में अपना लेके जाएंगे तो उसमें RTPS के लिए हमको ब्लॉक पे आने की जरूरत नहीं है। हम टीम गठित करवाएंगे BDO के पास बैठ के, और यहाँ से टीम जाएगी घर घर, किसका जाति नहीं है, किसका निवास नहीं है, किसका आय नहीं है, वहाँ ही बन के मिलेगा। अब यहाँ निकलिए। क्या है स्वास्थ्य पे आपका क्या कर, मतलब क्या स्वास्थ्य तो पूरा बिहार का आप देख रहे हैं, अब तो पंचायत को छोड़ दीजिए, पूरा बिहार स्तर पे चरण पे है। वही तो हम बात कर रहे हैं, हम फोकस अपने पंचायत ही पे आ रहे हैं, तो पूरे बिहार का भी सिस्टम अभी वही है। पंचायत में स्वास्थ्य हमारे नहीं है, नहीं है स्वास्थ्य केंद्र, नहीं है, एकदम बनवाएंगे। जीतने के बाद अगर आप नहीं बनवाते हैं तो ये फिर हम आपके पास, हम जो मैनिफेस्टो जारी किए ना दिए हैं कि 25 महीने के अंदर अगर हमने जो जो अपना दिया है अगर पूरा नहीं किया, लगभग उचित में सबसे पहले हमारा शिक्षा पे है कि मैं अपने पंचायत में +2 के लिए आंदोलन करूंगा, अगर नहीं होगा तो जहां तक होगा हम कोशिश करेंगे कि +2 स्कूल हो, नंबर 1। नंबर 2, वहां वृद्धा पेंशन और ये जो होता है आय निवास पे तो शुरू से राजनीति होते आई है, अब ये मुद्दा नहीं रहा है, अब उससे हाई लेवल पे जाना, स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, ये सब हमको जरूरत है, रोड है, नाला है, जल नल योजना है, ये सब बहुत सारा जो ऐसा आपके पास जो मुखिया लोगों को मालूम नहीं रहता है कि क्या क्या आया हुआ है। आपका जी नॉमिनेशन हो गया। अच्छा, कई तारीख को चुनाव आपके पंचायत में? हमारे चुनाव में 24 नवंबर को चुनाव है। 24 नवंबर जी, हाँ। क्या कुछ अपील कीजिएगा अपने क्षेत्र की जनता से? हाँ, अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करेंगे कि अब जो बूढ़े लोग 4-5 बार लड़ चुके हैं उन लोगों को रास्ता दिखाया जाए और युवाओं को मौका दिया जाए, क्योंकि अब टेक्निकल जमाना है और टेक्निकल लोगों को मौका दिया जाए, वही लोग विकास कर सकता है। लेकिन ओल्ड इज गोल्ड होता है, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, वो पुरानी कहावत है, अब पहले की बात है कि ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा, अब नेट का जमाना है, अब जिसको इंटरनेट चलाने नहीं आएगा उसको क्या पता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, देखा जा रहा है। इस बार आप देख रहे हैं ना कि 82% युवा जीत के आ रहे हैं और 82% जो पुराने मुखिया हैं वो चुनाव हार रहे हैं, तो इसलिए हम जीतेंगे चुनाव। उम्मीद है इस बार पंचायत की जनता स्वीकार करने जा रही है आपको 100%। चलिए, आपका परिचय एक बार अबुल हसन सोनू इंडिया बनेगा।